हेलो एवरीवन वेलकम टू नेट जरअ सोल्यूशनिस्ट स्वागत है आप सभी लोगों का गुड नोन गाइस कैसे हो आप लोग क्या हाल चाल है आप लोगों की आवाज पहुंच रही है मेरी चलिए ओके सब कुछ बढ़िया है गुड गुड तो आज की जो आपकी क्लास है उसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया आप लोग देख रहे होंगे मिशन परिवर्तन 2021 कारण मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास के थ्रू अपना एक ऐसा रिवीजन करें जिससे कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में सफलता हासिल हो जो आपके अंदर एक परिवर्तन लेकर के आए आपके आ, उस नॉलेज को थोड़ा बढ़ा सके उसे गेन कर सके आप और डेफिनेटली आपका जो जो टारगेट है उसे आप अचीव कर सको चाहे वो नेट हो चाहे वो जे हो ठीक है ओके तो मिशन परिवर्तन 2020 जो है वो शुरू हो ही चुका है आज इसकी क्लास फिफ्थ तो हो जाएगी आज ठीक है जो आपके आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और एनटीए नेट और जे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा तो ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंट यहां क्लास में जुड़े होंगे या जीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए भी आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हो वन अकेडमी पे आप मेरे प्लस कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं पे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं इसके लिए आपको अभिषेक जे का रेफरल कोड यूज करना होगा प्रीवियसली हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे आज उसके आगे से चलेंगे एक क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का डाउट था पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं उसे कंफर्म करा दूंगा तो आज पहले उसको कर लेंगे उसके बाद हम अगली क्लास करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का मैं आप लोग को बता देता हूं ठीक है ओके okay. तो ये था वो क्वेश्चन क्या कहा गया था एन इंटरमीडियंट स्ट्रीम चैनल इन द ड्राई लैंड एरियाज ऑफ द वेस्टर्न यूएसए पश्चिमी यूएसए के शुष्क भूमि क्षेत्रों में है ना अंतर अंतरायिक धारा चैनल जो है इसमें से क्या हो सकता है देखो जब भी इंटरमीडियंट की बात आएगी और स्ट्रीम चैनल की बात आती है और वो भी ड्राई लैंड की तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन है वाश ठीक है इस वाश को हम इंटरमिटेंट है ना स्ट्रीम भी बोलते हैं ओके okay, आवाज पहुंच रही मेरी आप लोगों तक सब कुछ क्लियर है तो क्लास में फोकस करिए ठीक है इंटरमीडियंट चैनल को हम वॉश या ड्राई वॉश रीजन भी बोलते हैं इसको जनरली हम एक नाम से और पुकारते हैं इसको एफी मिरल ड्राई वॉशेस के नाम से भी बुला सकते हैं इसको हम इंटरमीडियंट के नाम से बुला सकते हैं एफी मिरल जो है वो ड्राई वॉशेस होते हैं ठीक है एफी मिरल्स को ही कहा जाता है ड्राई वॉशेस और इसमें ऑप्शन में सिर्फ वॉश दिया हुआ है वॉश चैनल भी दिया हुआ है तो इसको समझते हम क्या होता है देखो एफल या ड्राई तो वो खुद में एक हो या वो किसी का पार्ट हो सकती है इस पिक्चर में देखो आप, ये, हैं, ये जो रास्ते आप देख रहे हो दो लोग जा रहे हैं इधर सर्वे करने के लिए जोग्राफर होंगे डेफिनेटली अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो ड्राई एरियाज दिख रहा है आपको कभी ये चैनल हुआ करता था इस चैनल में कभी कभार मतलब ओकेजनली वाटर यहां पर आता है ठीक है कैसे आता है विच फ्लोज ब्रीफली इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू दी प्रसिपिटेशन ये क्या होता है ब्रीफली शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए थोड़े समय के लिए यहां पर जब प्रेसिपिटेशन होती है हैवी होता है तेज बारिश होती है तभी इस स्ट्रीम में पानी वगैरह दिखता है अदरवाइज ये हमेशा क्या रहता है ड्राई रहेगा इस ड्राई एरिया को ही हम वॉश कहते हैं ठीक है थीके? इसको हम क्या कहेंगे कहेंगे वॉश इस कारण से उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो था वो बी वाला उस दिन करेक्ट था हम लोग सी और बी में थे डाउट थे लेकिन सी नहीं होगा प्लाया यहां यहां पर पर नहीं होगा यहां पर होगा ठीक है बी यानी कि वॉश क्लियर है इसके अलावा इंटरमीडिएट क्या होता है ये एक तरीके की स्ट्रीम होती है जो कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती है इन अ सर्टेन टाइम मतलब निश्चित तौर पर उस टाइम पे इसमें वॉटर आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि जैसे मॉनसून आ गया है ना जब मॉनसून आ जाएगा तो यहां पर बारिश होगी तो डेफिनेटली इस चैनल में पानी आ ही जाएगा लेकिन यहां पर कोई फिक्स नहीं है यहां पर कोई फिक्स नहीं कि ये कब आएगा मॉनसून में हल्की बारिश होगी हैवी बारिश होगी कब होगा ये कुछ क्लियर नहीं है तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है स्ट्रीम के टाइप होते हैं ये ठीक है तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसके पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी है रिवाइज इंडिया एनटीए यूजीसी नेट के लिए अन पे फिर से शुरू हो गया है अप्रैल फाइव से स्टार्ट होगा ये ठीक है ये अप्रैल फाइव से स्टार्ट होगा इसमें आप लोगों को डेली रिवीजन क्लासेस मिलेंगी ये फ्री है सभी के लिए है ठीक है ऐसा कोई नहीं है कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत है फ्री है सभी के लिए है और इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो ये क्लासेस होंगी दिन में बारह बजे मैं जोग्राफी पढ़ाऊंगा वहां पर जिसमें मैं सारे कंप्लीट यूनिट पढ़ाऊंगा आपको यूनिट वन से लेकर के यूनिट टेन तक है ना सारे यूनिट को पढ़ाऊंगा रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी करेंगे तो आप सभी लोगों के लिए है आप इसे जरूर करिए और भी सब्जेक्ट के क्लासेस यहां पर मिलेंगे आपको कंप्लीट आपको ट्वेल्व डेज का प्लान यहां पर मिल रहा है ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे <coughs> ड्रमलिन क्या होता है ड्रमलिन क्या होता है बाउल शेप्ड डिप्रेशन इरोडेड बाय लार्जली बाय फ्रॉस्ट एक्शन एंड ग्लेशियर फ्रकिन क्यों भैया ड्रमलिन इरोजनल होता है दिमाग की बत्ती नहीं जली अभी अभी सुबह नहीं हुआ है अभी नींद नहीं पूरी हुई है क्या अभी दिमाग की बत्ती नहीं जली आपके। बाउल शेप का होता है या ड्रमलिन इनवर्टेड बाउल होता है इनवर्टेड बाउल बाउल शेप तो ये हो गया ना और ड्रमलिन होता कैसे है ऐसा होता है कहा है आप लोग का दिमाग पिछले कक्षा में बताया था पिछले क्लास में बाउल शेप डिप्रेशन नहीं होगा वो भी इरोडेड तो कभी नहीं होगा इरोजन के थ्रू तो कभी नहीं बनता है ठीक है इसके अलावा स्मूद करता है बेचारे के पास इतना टिल अमाउंट ऑफ आउट वॉश डिपॉजिटेड बाई मेल्ट वॉटर स्ट्रीम एट द स्नाउट ऑफ अ ग्लेशियर मेल्ट वॉटर स्ट्रीम का भी ये टिल डिपॉजिट होता है या फिर ये ये हो सकता है स्मूथ टेपरिंग रिज ऑफ अ टिल फॉर्म्ड एंड शेप्ड बीनीथ अ कॉन्टिनेंटल आइस शीट देखो ये है ड्रमलिन ठीक है ये क्या है ड्रमलिन और ड्रमलिन क्या होता है डेब्रिस हो सकता है ठीक है ड्रमलिन क्या हो सकता है डेब्रिस हो सकता है ये कैसे बनता है ये बनता है बेसिकली डिपोजिशन ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है पिछली क्लास में बताया था डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है जब ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसमें बहुत सारे आ, सेडिमेंट्स होते हैं जिनको वो क्या करता है डिपॉजिट कर देता है और उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है मेल्ट होने के बाद या तो वहां पर स्ट्रीम बन जाएगी ठीक है या लेक बन जाएगा या कुछ भी बन सकता है यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है इसका नेक्स्ट डी वर्जन इसका डी आंसर करेक्ट है ठीक है डिपॉजिटेड बाई मेल्ट वॉटर स्ट्रीम नहीं होगा ना स्नाउट ऑफ ग्लेशियर ये एक कॉन्टिनेंटल आइस शीट होती है ठीक है जो टिल डिपॉजिट करती है और एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बनता है और रिज जैसा स्ट्रक्चर ही आपको दिख रहा है उठा हुआ कटक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको तो इसे ही हम कहते हैं क्या कहते हैं ड्रमलिन कहते हैं ओवल और इलांगेटेड हिल बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म बाई दी स्ट्रीमलाइंस मूवमेंट ऑफ ए ग्लेशियर आइसिट अक्रॉस दिसम से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है राउंडेड हिल और माउंड ठीक है तो ड्रमलिन आपको बहुत सारे रीजन में देखने को मिल जाएंगे जितने भी आर्कटिक वाले रीजन है जितने भी आर्कटिक वाले रीजन है जितने भी पेरी ग्लेशियर वाले रीजन है जहां पर कॉन्टिनेंट होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा क्या पूछा गया है ग्लेशिएटेड रीजन जो वर्ल्ड के हैं यहां पर देख लीजिए ये सभी वर्ल्ड के ग्लेशिएटेड रीजन है जहां पर आइस शीट वगैरह देखने को मिलती है यहां पर देख लीजिए आप ग्रीन लैंड में देख लीजिए ठीक है ये सभी क्या है मेल्ट ग्लेशिएटेड ग्लेशिएटेड सीड्स हैं जहां से ड्रमलिन या फिर टिल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं ये देख रहे हो आप ये टिल डिपॉजिट्स हैं सभी के सभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू फियोड क्या होगा भाई फियोड हो जाएगा अ ग्लेशियर कच वैली विच सिंग्स बिलो द सी लेवल बिलो द सी लेवल ड्यू टू ग्लेशियर रिबाउंड आफ्टर द आइस मेल्ट स्ट्रीम वैली डिपॉजिट डिपेंडेंट डिपेंड a glacier-cut दैट फ्लड्स एज दी लेवल राइज moraine एंड लार्ज लेक इज formed. Hmm. देखो फियोर्ड जो है एक वह घाटी होती है जो बर्फ के पिघलने के बाद समुद्र तल से नीचे नहीं डूबती है भाई बिलो सी लेवल नहीं जाएगा ये कभी भी बिलो सी लेवल कैसे हो जाएगा देखो यहां पर कमाल है फ्यूड यहां पर नहीं है पिक्चर में देखो सी लेवल के नीचे कैसे जाएगा जब भी कोई कोस्टल रीजन में कोई ग्लेशियर मेल्ट होगा सबमर्ज होगा तो बिलो सी लेवल कैसे नीचे चला जाएगा वो वो उसका पार्ट बन जाता है वो उसका पार्ट उसका एक भाग बन जाता है जब उसका भाग बनेगा तो ये क्या हो जाएगा डिपेंड बाय ग्लेशियल इरोजन ग्लेशियल इरोजन के कारण जो फ्लड एरिया होते हैं वहां पर ये फैल जाता है दैट फ्लड्स एज दी लेवल राइजेस वो एरिया में पानी को बढ़ भाई ग्लेशियर जब भी मेल्ट होगा तो आसपास का रीजन तो बढ़ेगा ही ना वाटर सी लेवल राइज तो देखने को मिलेगा ही देखो ग्लेशियर कट वैली डैम वै एंड मोरेन ये भी नहीं होगा अब डी क्यों पहुंच गए अब डी क्यों पहुंच गए आप? ये भी नहीं होगा क्योंकि एंड मोरेन वगैरह से नहीं बनता है ये ठीक है ठीक है लार्ज लेक भी नहीं बनेगा क्योंकि ये लेक नहीं बनाते हैं फियोड उसी कोस्टल ओशन के ही पार्ट होते हैं जहां पर कभी वो ग्लेशियर होते हैं फिर वो मेल्ट हो जाते हैं और सब हो जाते हैं ठीक है तो सबमर्जेंस की वजह से बनते हैं तो स्ट्रीम वैली डिपेंड बाय ग्लेशियर इरोजन दैट फ्लड एज दी लेवल राइज इसका सही ऑप्शन होगा बी इरोजन है ठीक है चलो ठीक है मैं इसे करेक्शन करता हूं लेट मी करेक्ट इट ठीक है इसमें इरोजन नहीं होगा हाँ इरोजन नहीं होगी इरोजन नहीं होता ये मेल्ट होने की वजह से बनते हैं है ना ये मेल्ट होने की वजह से बनते हैं कोई भी फियोड तो फियोड ठीक है ए करेक्ट हो जाएगा इसका लेकिन ये भी ग्लेशियल कट वैली है ग्लेशियल कट वैली अगेन आई थिंक इसका आंसर जो है सिंक ए हो जाएगा यस yes. नहीं ठीक है ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन था दूर हो गया है यहां पर इरोजन की वजह से नहीं बनते हैं ये ये बनते हैं सबमर्जेंस की वजह से और सबमर्जेंस के कारण यहां पर लिखा हुआ विच सिंक्स बिलो सिंक्स बिलो हो जाएगा सबमर्ज हो जाते हैं ठीक है सिंक्स बिलो सिंक्स बिलो मतलब नीचे की तरफ सबमर्ज जाते हैं जो सी लेवल होता है उसमें सबमर्ज हो जाते हैं लेवल के नीचे नहीं जाते हैं वो ठीक है तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन स्ट्रीम वैली भी था क्या यहां पर कुछ स्ट्रीम वैली तो यू शेप्ड स्ट्रीम और वी शेप्ड स्ट्रीम से होते हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है छोड़िए इसको क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री चलते हैं ए करेक्ट था ए करेक्ट था ए ए होगा हाँ यस yes. नहीं यूपी पीजीटी के लिए कुछ भी कंपलसरी नहीं है अगर आप टीजीटी दे रहे हो तो कंपलसरी है पीजीटी के लिए मास्टर्स चाहिए है ना मास्टर्स चाहिए विद द रेलेवेंट सब्जेक्ट अ जियोलॉजिस्ट वांट टू लोकेट अ हॉरिजॉन्टल कोल बेड ऑन अ सॉइल कवर्ड स्लोप वेयर सॉइल क्रीप इज एक्टिव एक स्लोप है ठीक है एक बेड है वो स्लोपी है सॉइल से कवर्ड है लेकिन सॉइल क्रीपिंग भी हो रही है मतलब मृदा सर्पण भी हो रहा है साथ साथ मिट्टी बह भी रही है धीरे धीरे ठीक है डिस्टिंक्टिव सैंडस्टोन बेड अंडरलाइंस द कोल बेड जो सैंडस्टोन बेड है वो कोल बेड के नीचे अंडरलाइन है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर्ड सैंडस्टोन फ्रेगमेंट इन द सॉइल वेयर इज द कोल बेड अगर हम सैंडस्टोन का जो आ, ये वेदर्ड वेदरिंग की वजह से ठीक है जो सैंडस्टोन के फ्रेगमेंटेड एरियाज होते हैं जो सॉइल में मिल चुके हैं हम वहां पर कहा ढूंढेंगे जहां पर कोल बेड हमें दिखाई देगा कोल बेट हमें कहा दिखाई देगा है ना वेदर ध्यान दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर सैंडस्टोन यही है इसका सही आपका हिंट ठीक है जस्ट अब जस्ट बिलो दी सैंड स्टोन सीन इन द कोल जस्ट बिलो पीस जस्ट अब दाइएस्ट पीस ऑफ दैंड स्टोन सीन इन द सॉइल जस्ट बिलो द लोवेस्ट पीस ऑफ सैंड स्टोन इन दॉल जस्ट एब पीस ऑफ दॉल यहां पर अगर देखें तो दी मिट्टी में देखे गए रेत पत्थर के उच्चतम टुकड़े के ठीक नीचे या फिर मिट्टी में देखे गए रेत के पत्थर के उच्चतम टुकड़े के ठीक ऊपर या फिर मिट्टी में देखे गए रेत पत्थर के सबसे निचले टुकड़े के ठीक नीचे या मिट्टी में देखे गए रेत पत्थर के सबसे निचले टुकड़े के तौर पर देखिए इसका सही ऑप्शन होगा बी जस्ट एवअ दाइएस्ट पीस ऑफ सैंडस्टोन क्या होगा जस्ट एवब हाइएस्ट पीस ऑफ सैंडस्टोन मैंने आपको हिंट दिया था मैंने आपको बताया कि इसको जरूर पढ़िएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर्ड सैंड स्टोन फ्रेगमेंट जो सैंड स्टोन था उसके वेदरिंग के बाद अपक्षय के बाद क्या होगा वो बेडरॉक रिमूव्ड हो जाएगा जब बेडरॉक रिमूव्ड होगा तो हमें कोल के सिम्स देखने को मिलेंगे जो कोल का सिम है वो देखने को मिलेगा आपको ऊपर की तरफ जैसे मान लीजिए ये एक एरिया ये एक सरफेस हो गया ठीक है इसके नीचे है वो कोल बेड यहां पर फैला हुआ है ठीक है कोल बेड यहां पर फैला हुआ है अब जब इसके ऊपर आपको एक डिस्टिंग डिस्टिंगटिव सैंड बेड है कोल बेड के ऊपर ठीक है अंडरलाइज ठीक है तो क्या होगा जब ये रिमूव हो जाएगा वेदरिंग हो जाएगी तब बचेगा तो यही ना तब बचेगा क्या सिर्फ यही तो बचेगा तो जब ये हट जाएगा रिमूव हो जाएगा तो वही चीज करा जस्ट दी हाईएस्ट पीस ऑफ सैंडस्टोन सीन इन द सॉइल जो सॉइल था उसके ऊपर आपको वो देखने को मिल जाएगा कोल बेड ठीक है तो सही ऑप्शन है इसका बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर लैंड फॉर्म डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑकरिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ इंटर मोन्टान इंटर माउंटेन बेसिन बेसिस इन एरिड एंड सेमी एरिड बेसिन हो गई ठीक है ड फॉर्म डेवलप बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑकरिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ इंटर मोंटान बेसिंग इंटर मोन्टान दो तरफ से जो मोन्टान होते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क रीजन में देखो इंटर मोन्टान की अगर हम बात करें है ना इंटर मोन्टान की अगर हम बात करें ये क्या कह रहा है बाई द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑकरिंग टूवर्ड देंटर ऑफ द इंटर माउंटन सेंटर की बात हो रही है किसकी बात हो रही है सेंटर की यह एक माउंटेन एरिया हो गया दूसरा माउंटेन एरिया हो गया इन दो माउंटेन के सेंटर वाला जो पार्ट होगा मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ पार्ट अगर होगा तो ये सेंटर हो जाएगा और ये एरिया क्या हो जाएगा माउंटेन का और यह भी माउंटेन का हो जाएगा तो इस सेंटर एरिया में जो डिपोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बजादा नहीं बोलेंगे वो बजादा नहीं होगा वो प्लाया होगा ठीक है उसे हम क्या कहेंगे प्लाया कहेंगे यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्लाया एक तरीके का लेक है जो ड्राई हो जाता है नॉर्मल डेज में वो ड्राई हो जाता है जब सीजन होते हैं तो उसमें वाटर होता है और ये हो गया प्लाया इसके आसपास देख लो आप ये हो गया प्लाया किनारों की तरफ और बीच में प्लाया लेक हो गया तो प्लाया जो है वो लेक से भी रिलेटेड है और डिपोजिशंस से भी रिलेटेड है जबकि जो बजादा है वो ऊपरी होते हैं जो ऊपर वाले सेशंस जो आप देख रहे हो पोर्शन उन्हें हम कहते हैं बजादा इसके सेंटर में आता है वो लेक जो यहां पर बना हुआ है और किनारों की तरफ होते हैं प्लाया तो इंटर यही होगा इंटर मोन्टान या इंटर माउंटेन इन्हें हम कहते हैं दो पर्वतों के बीच में दो पर्वतों के बीच में ये टू हो गया, हो गया इनके बीच में रीजन जो बन रहा है ठीक तो है ना ये कहां डेजर्ट बेसिन में बनते हैं बजादा क्या है ये कंसिस्ट ऑफ एलुवियल फैन से बना हुआ होता है अलॉन्ग माउंटेन फ्रंट ये माउंटेन है इसका फ्रंट हो गया ये उससे बने हुए होते हैं ये फैन शेप्ड भी होते हैं तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी पेडिमेंट नहीं होगा और पेनी प्लेन भी नहीं होगा ठीक है समझ में आया ये वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा सिंपल है थोड़ा सा बट ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आप ये समझ के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर में फिक्स है पीजीटी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है प्लाया क्या है बजादा क्या है कहाँ बनता है कैसे बनता है इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए पेनी प्लेन आपको पता है पेडिमेंट भी आपको पता है सी दिस इज देनी प्लेन एलोवियल फैन और पेडिमेंट क्या हो जाएगा पेडिमेंट हो जाएगा आपका ये जो माउंटेन के बॉटम होते हैं उन्हें हम पेडिमेंट्स कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ जी ये सारे क्वेश्चन जोग्राफी के सारे एग्जाम्स के लिए इक्वी वैलेंट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये सभी एग्जाम के लिए इक्वी वैलेंट है अलेंस शेप्ड इग्नियस इंट्रूजन सिचुएटेड बीनीथ एंड एंटीक्लाइन फोल्ड और इन द बेस ऑफ सिंग क्लाइंस इज कॉल्ड एक अपनति तह के नीचे या अपनतिक वलन के आधार में स्थित लेंस के आकार का आग्नेय अतिक्रमण क्या कहलाएगा लैपोलिथ लैकोलिथ फैकोलिथ बैथोलिथ कौन सा लिथ होगा ये सभी क्या है इग्नियस रॉक मैग्मा के कारण बनते हैं मैग्मा के इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव डिपोजिशंस के कारण बनते हैं जब कहीं पर भी प्लेट की एक्टिविटी होती है या वॉल्केजम होता है जब कहीं पर भी तो उस वॉल्केनिज्म के कारण हमें क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है कि जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आते हैं तो मैग्मा जब बाहर की तरफ आ जाता है और सरफेस पर आ जाता है मैग्मा तब इसे हम एक्सट्रूसिव कहते हैं मतलब ये बाहरी हो जाएगा यहां पर डिपॉजिट होता है और जब कभी ये बाहर ना निकल करके इनका वेंट ब्लॉक हो जाए और ये अंदर ही पृथ्वी के डिपॉजिट होने लगे तो इन्हें हम एक्सट्रूस इंट्रूसिव कहते हैं पृथ्वी के अंदर इंट्रूसिव पृथ्वी के बाहर सरफेस पे एक्सट्रूसिव होते हैं ठीक है यहां पर जो सही क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा फैकोलिथ सी होगा सही आंसर ठीक है फैकोलिथ देखो फैकोलिथ क्या होता है फैकोलिथ इज अ प्लूटोन ऑफ इग्नियस रॉक टू दी बेडिंग प्लेन है ना अगर कोई बेडिंग प्लेन है तो उसी के पैरल ये क्या होता है डेवलप हो जाता है ये पैरल पैरल आप देख रहे हो इनके बीच में ये डेवलप हो जाएगा जब इनके बीच में डेवलप हो जाएगा तो इन्हें हम क्या कहेंगे फैकोलिथ कहेंगे ठीक है ये क्या होते हैं लेंस शेप्ड होते हैं जो लेंस है आपका आंखों का लेंस होता है ना आंखों की आंखों आँख, की पुतलियां ऐसे ही होती है ना इस तरीके से बनी हुई होती है तो आप देख पाते हो ये लेंस शेप्ड होते हैं फैकोलिथ तो फैकोलिथ को लेंस शेप्ड से याद रखेंगे हम इसके अलावा और भी देख लीजिए जैसे कि आपको यहां पर लैकोलिथ भी देखने को मिलेगा आपको डाइक भी देखने को मिलेगा आपको सिल भी देखने को मिलेगा अक्सर सिल और डाइक पूछे जाते हैं सिल क्या हुआ होता है लेटा हुआ होता है और डाई क्या हुआ होता है वर्टिकल होता है ठीक है ये वॉल्कनिक क्या होते हैं डिपॉजिट्स होते हैं और ये बैथोलिथ होता है जो सबसे नीचे की तरफ होगा और बहुत बड़ा होता है ठीक है जो बैठा हुआ है ना ये बहुत बड़ा होता है और डाई की आपको मैंने बताया ही जो वर्टिकली होते हैं फैले हुए लावा बाहर की तरफ आएगा तो एक्सट्रूसिव हो जाएगा लावा मैग्मा अंदर की तरफ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम इंट्रूसिव कहेंगे ठीक है चलिए वो सही क्वेश्चन था सी आप अनअकैडमी भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो हर एक क्लास का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा सब कुछ पीडीएफ भी वहां पर आप लोगों को मिलता रहता है इसके अलावा आप मेरे अनअकैडमी के कोर्सेज देख सकते हैं इन कोर्सेज में मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी कंप्लीट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है मतलब आपको हर एक एग्जाम के लिए इसमें फायदा मिल जाएगा इसके अलावा अगर हम देखें तो अन अकेडमी पे मे मंथ में होने जा रहे एग्जाम के लिए बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हैं जो लॉन्च हो चुके हैं बैच कोर्सेज है जो लॉन्च हो चुके हैं आप इन्हें भी सब्सक्राइब करके एक्सेस कर सकते हैं वन मंथ से लेकर के ट्वेंटी फोर मंथ तक के प्लान है और रेफरल कोड अभिषेक यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टेन परसेंट तक का रिवाइज रिवाइज इंडिया सीरीज पे अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है पांच अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ठीक ठीक है है इसमें मैं पढ़ा रहा हूं पे फ्री थीके? और उसमें हम लोग कवर करेंगे क्या करेंगे जितने भी यूनिट हैं यूनिट वन से लेकर के यूनिट टेन तक कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक एक क्लास में एक यूनिट कवर करेंगे हम लोग रिवीजन के साथ एप्सोल्यूटली फ्री है आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स रात को दस बजे भी हम लोग मिलेंगे आज सेम चैनल रात को दस बजे भी क्लास होगी आप लोगों की ठीक है अ माउंटेन कोस्ट लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्टीप साइडेड एलोंगेटेड एंड इनंडेटेड कोस्टल वैलीज इज कॉल्ड जो क्लास होगी वो बारह बजे होगी आपकी रिवाइज इंडिया वाली और मेरी जो क्लासेस होती हैं वो रात को दस बजे तो डेली ही होती है मैं डेली क्लास ले रहा हूं रात को दस बजे कुछ लोग कहेंगे सर डेली नहीं हो रहा है मैं पढ़ा रहा हूं दस बजे पिछले दो दिन से लगातार क्लास हुई है अन अकेडमी के चैनल पे ज्योग्राफी पढ़ना है आपको जहां पढ़ाता हूं वहां जाया करो बस आप क्या चैनल है इससे मतलब नहीं रिया कोस्ट नहीं होगा फियोड कोस्ट नहीं होगा डोलमेशियन कोस्ट नहीं होगा ये तीनों ही नहीं होंगे क्या नहीं होंगे ये तीनों नहीं होंगे रिया कोस्ट नहीं होगा फियोड भी नहीं होगा और डॉलमेशियन भी नहीं होगा बचता है सिर्फ हाफ कोस्ट व्हाट इज हाफ कोस्ट चलिए देखिए हाफ कोस्ट क्या होता है देखो ये है हाफ कोस्ट हाफ कोस्ट का मतलब क्या हुआ जैसे ये कोस्टल एरियाज आप देख रहे हो किसी भी रीजन से मिले हुए हैं लैंड मार्सेज हो गए ठीक है कोई रिवर का माउथ हो सकता है इधर से ऐसे यहां पर देखो आप ये कोस्टल एरियाज हैं, यहां पर ये रिवर जा रही है इसका माउथ है ठीक है ये इनंडेटेड है मतलब पानी से भरे हुए हैं, सकरे हैं, छोटे हैं, नैरो है और यहाँ पर आपको सैंड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है किनारों की तरफ आपको सैंड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं जब सैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो इन्हें हम हाफ कोस्ट के नाम से जानते हैं एट दी माउथ ऑफ द रिवर हाफ फॉर्म वेयर वेर सैंड रिजेस कनेक्टेड आईलैंड लिविंग रिवर टू इमर्ज थ्रू नैरो आउटलेट्स ठीक है ये रिजेस क्या होते हैं एक तरीके से बैरियर आइलैंड्स के तौर पर भी होते हैं सैंड बैंक्स के तौर पर भी होते हैं और मड फ्लैट पैरल्स टू पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इन्हें हम क्या कहते हैं हाफ कोस्ट रिया कोस्ट आपको पता है फोर्ड कोस्ट आपको पता है डोलमेशियन कोस्ट क्या होते हैं जहां पर कभी माउंटेन रहा हो कोस्टल एरियाज में और उनका इरोजन हो जाए सी वेब्स की वजह से उन्हें हम डोलमेशियन कोस्ट कहते हैं डॉलमेशियन कोस्ट आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेंगे आपको जो ग्रीस है वहां पर देखने को मिल जाएगा वहां के आसपास जितने भी रीजनस हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है वहां पर एक सी है उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे वहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा डॉलमेशियन कोस्ट चलिए डॉलमेशियन कोस्ट देखो ये क्रोएशिया अलोंग दी क्रोएशिया आपको देखने को मिल जाएगा स्लोवेनिया है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है एड्रियाटिक सी के आसपास यस ये एड्रियाटिक सी था यहां पर क्या आपको देखने को मिल जाते हैं हाँ एड्रियाटिक सी के पास एग्जैक्टली exactly. ये डॉलमेशियन कोस्ट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन नेचुरल सैंड बार और लो सैंड रिजेज दैट कनेक्ट वन आईलैंड टू अनादर आईलैंड और टू दिन लैंड इसकॉल्ड एक प्राकृतिक रेत पट्टी है ना या रेत की चोटी जो एक द्वीप को दूसरे द्वीप से या मुख्य भूमि से जोड़ती है इसे बोलेंगे हम कम बोलो <laughs> क्यों कम बोलो बोलेंगे या टर्म बोलो सैंड रोइन स्पेट जेटी बैरियर्स क्या बोलेंगे इसे हम इसे बोलेंगे कम बोलो यानी तुम बोलो तुम बोलो हम बोले कोई भी बोले क्या फर्क पड़ता है बोला तो जाएगा कम्युनिकेशन तो हो ही रहा देखो क्या होता है तुम बोलो टॉम बोलो जो है सैंडी होता है क्या होता है स्थमस अब स्थमस का क्या मतलब हो गया एक नैरो लैंड होता है जो एक बड़े लैंड को दूसरे बड़े लैंड से कनेक्ट करता है स्थमस उसे हम बोलते हैं ठीक है जैसे इस्थमस ऑफ क्रा है ना ऐसे आपको मिल जाएंगे पनामा स्थमस ये सब ऐसे ही हैं जो कनेक्ट करते हैं बड़े को यहां पर आप ध्यान से देखो है ना ये कोई आइलैंड है इस आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है ये बीच का सैंड वाला एरिया ये कोई दूसरा आइलैंड होगा जिससे ये कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कैसे बनते हैं डिपोजिशन बाय दी वेव्स जब यहां पर ये यह सैंड्स को ला करके डिपोजिशन कर देते हैं तो टोम फॉर्म ये इटालियन मीनिंग है जिसका मतलब होता है पिलो और क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं है ना ये डिपोजिटेड लैंडफॉर्म होता है एन इज टू मेन और मेन मेन लैंड से बाई ए नैरो पीस ऑफ लैंड सच एज स्पिट और बार ठीक है स्पिट भी हो सकता है बार भी हो सकता है जो लगातार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इसे हम टोमबोलो कहते हैं यहां देखो एक आईलैंड हो गया ये दूसरा आइलैंड हो गया बीच में कनेक्टेड है ठीक तो है हो जाएगा? हो जाएगा। और बाकी हम करने के लिए यूज करते हैं प्रिवेंट करते हैं बीच इरोजन से है ना ये क्या करते हैं बीच के इरोजन से इनको रोकते हैं और सी स्पिट आप लोगों ने पढ़ा था मैंने बताया था ये हो गए सी स्पिट्स जो डेवलप होते हैं किसी भी कोस्टल से और जेट्टीज भी मैंने आप लोग को बताया था ऐसा यह जेट्टीज है जो पैरल वेव्स को चलने से रोकती हैं ताकि इरोजन कम हो सके शोर एरियाज में चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हाँ, राम सेतु भी एक तरीके का बोलो ही रहा होगा ट्रांसफॉर्म प्लेट प्लेट बाउंड्री बाय एक रूपांतरण सीमा की विशेषता है क्या विशेषता है एक गहरी जिसके साथ दो प्लेट विपरीत दिशा में एक दूसरे को फिसलते हैं दो अभिसरण महासागरी प्लेटें आमने सामने और एक मध्य महासागरी कटक में जमा होते हैं एक भिन्न सीमा जहां पर महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरी प्लेट में बदलती है या एक एक ज्वालामुखी प्लेट के किनारे पर और आसन प्लेट के ढालों पर बनती है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ठीक है ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या होता है डीप वर्टिकल फॉल्ट होते हैं वर्टिकल फॉल्ट ठीक है लंबे फॉल्ट होते हैं विच टू प्लेट स्लाइड

तो आपके राइट right साइड में अगर होगा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लैंड अगर मूव करेगा तो उसे हम डेक्स्ट्रल कहेंगे और अगर वो आपके लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम सिनेस्ट्रल कहेंगे ये क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं आपके एग्जाम में राइट right साइड में डेक्स्ट्रल लेफ्ट साइड में सिनेस्ट्रल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ट्रांसफॉर्म रूपांतरित प्लेट सीमा इसे हम कहते हैं यहां पर शेयर बाउंड्रीज लगती हैं जिस कारण से कि यहां पर फॉल्ट बन जाता है कोई भी प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं होती है इसमें कोई भी प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं होती ना ही कोई नया क्रस्ट बनता है तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सेनेस्ट्रल डेक्ट्रल ये हो गया ये लेफ्ट ये राइट टिपिकल रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन एटलांटिक ओशन ओशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का रेट क्या है ये रेट क्या है कितना है दो फीट है पर ईयर ट्वेंटी फीट है पर ईयर टू सेंटीमीटर है पर ईयर या फिर जीरो पॉइंट वन इंच है पर ईयर देखो टू फीट नहीं होगा अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि पैसिफिक ओशन खत्म हो जाता इतने के बाद पैसिफिक ओशन रहता ही नहीं सबसे बड़ा ओशन होता ओशन। अगर अगर ऐसा होता तो, तो और अगर ये हो जाता, तो कई लैंड मासेस खत्म हो जाते सिर्फ एटलांटिक ओशन ही देखने को मिलता क्योंकि 20 फीट बहुत ज्यादा होता है हाँ 20 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर दो से लेकर के पांच सेंटीमीटर टू टू फाइव सेंटीमीटर का जो रेट है इनके मूव करने का वही एग्जैक्ट आंसर है दो से लेकर के पांच ये वैरी करते हैं नॉर्थ एटलांटिक से सेंटर एटलांटिक और साउथ एटलांटिक तक ये वैरी करते हैं कि कौन सा कितना होगा चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वेदरिंग प्रोसेस इन विच लेय ऑफ रॉक पील ऑफ एज एक्सपेंशन विशन के कारण होते हैं वो पील हो जाते हैं जस्ट लाइक अनियन प्याज की तरह अलग अलग हो जाते हैं है ना ये है अनियन तो इसकी तरह ही क्या होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं इसको निकाल लो इसको निकाल लो इसको इसको क्या बोलते हैं उसे हम उसका नाम है एक्सफोलियन जिसे हम अपशलकन बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सफोलिएशन <coughs> या अपशलकन बोलते हैं देखो यहां पर ये एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर का लेयर क्या हो रहा है धीरे धीरे रिमूव हो रहा है ये लेयर रिमूव हो चुका है और ये लेयर देख रहे हो आप ये टूट रहा है फूट रहा है क्यों फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस की वजह से फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस जमना ठीक है उसके बाद क्या होना मेल्ट हो जाना पिघल जाना ऐसा क्यों होता है हाई रेट ऑफ टेम्परेचर और प्रिसिपटेशन की वजह से तो जो बाहरी यो ये लेयर्स हैं ये आउटर एटमोसफियर के कॉन्टैक्ट में होते हैं जिनके ऊपर हाई इंसुलेशन प्रिसिपटेशन एयर ठीक है वाटर इन सभी का एक रोल होता है तो इसलिए जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं धीरे धीरे टूटते रहते हैं कमजोर होते रहते हैं और इस तरीके से क्या होता है एक्सफोलिएशन होता है अपशलकन होता है पहला वाला रिमूव होता रहता है एक और कारण है अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वो, आ, इसके सैंड्स का स्टोन्स का तो भी ये रिमूव होते रहेंगे तो इसका सही ऑप्शन जो था वो था डी ओके ग्रेनुलर डिस इंटीग्रेशन क्या होता है ग्रेनुलर डिस इंटीग्रेशन होता है जिसमें से कि जो ग्रेन्स होते हैं वो लूज होते रहते हैं और फॉल होते रहते हैं गिरते रहते हैं एक रीजन से तो इसमें क्या होता है वो ब्लॉक्स छोटे छोटे होते चले जाते हैं है ना क्रिस्टलाइज रॉक होते हैं जो बनते हैं ग्रेनुलर डिस में ओके okay गाइज तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप मुझे एनअमी पे फॉलो कर सकते हैं मेरा नाम सर्च करके वहां पर प्लस कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं विजार्ड ऑफ जोग्राफी जोग्राफी ऑफ इंडिया प्रैक्टिकल जोग्राफी और मॉडल्स एंड क्लासेस चल रहे हैं कल मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाया था आई होप आप लोग एंजॉय जरूर किए होंगे मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है

जो अप्रैल फाइव से स्टार्ट होगा और इसके बाद आपको लगातार बारह दिनों तक क्लास मिलेगी मेरी जोग्राफी की और और भी टीचर्स की मिलेगी ठीक है आज की क्लास यहीं तक रात को दस बजे मिलते हैं भूलिएगा मत रात को दस बजे हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज जियो मॉर्फोलॉजी की ये पांच क्लास थी जो मैंने आप लोगों को रिवीजन के थ्रू करवा दिया है जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखा है आप जाकर के हमारे प्ले में इन क्लासेस को देख सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास और आज तक के सेशन को तो चलिए गाइज मिलते हैं शाम को दस रात को दस बजे फिर से करेंगे कुछ और एमसीक्यूज को तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय